मैंने बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम यूज़र्स देखे हैं जो इंस्टाग्राम को लेकर बहुत सीरियस हो जाते हैं, कैसे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाएं और कैसे इंस्टाग्राम को वेरिफिकेशन लाएं, कैसे ब्लू टिक लाएं। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करूंगा कैसे इंस्टाग्राम को वेरिफिकेशन कराते हैं 3 लीगल वेज में। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, दैट्स बीइंग सेड, लेट्स गो फॉर इट। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का एक डाउट क्लियर कर दूं कि इंस्टाग्राम सिर्फ फॉलोअर्स बेस में वेरीफाई नहीं कराता है। वेरीफाई कराना है तो वो कम वाले इंस्टाग्राम अकाउंट को भी वेरीफाई करा देता है। जैसे कि अभी मैं दिखा रहा हूँ 4131 जस्ट फॉलोअर्स हैं इनके अकाउंट पर, तब भी इनका इंस्टाग्राम अकाउंट वेरीफाई है। ये कैसे? इनका अकाउंट 400 फॉलोअर्स रहने पर ही वेरीफाई हो गया था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 लीगल वेज इंस्टाग्राम अकाउंट को वेरीफाई कराने में। सबसे पहला है कि आपको फेमस रहना चाहिए। फेमस रहना है इस स्टेप में और 2 सब डिविजन्स हैं। सबसे पहला सब डिविजन ये है कि आप फेमस रियल वर्ल्ड में हो, जैसे कि आप कोई सेलिब्रिटी हो या आपका कोई ब्रांड है उसका ऑफिशियल अकाउंट है, जैसे कि EMI इंडिया और वीवो, मतलब ऐसे ब्रांड का ऑफिशियल अकाउंट है, उनका वेरिफिकेशन होता है ऑटोमेटिकली। रातें रात इंस्टाग्राम एक मेल भेजता है और उनका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। सो दोस्तों, ये इंस्टाग्राम वेरीफिकेशन का प्रोसेस क्यों रखा है, इंस्टाग्राम ये ब्लू टिक क्यों लाता है, ये बस शो ऑफ के लिए नहीं है, ये बस ट्रस्ट के लिए है। मैं आपको इस ट्रस्ट लास्ट में बताऊंगा। और दूसरा सब डिविजन है, आप रियल वर्ल्ड में फेमस ना हो बट इंस्टाग्राम में फेमस हो जाएं। जैसे कि इंस्टाग्राम के आपके पोस्ट में एवरेज लाइक्स, एवरेज कमेंट्स, एवरेज शेयर्स और स्टोरी व्यूज एवरेज, और वो जो उनका एनालिटिक है, उनका जो बेस है, उन सब को टच कर देना, मतलब उन सबको क्रैक कर देना। जैसे कि अभी एग्जांपल, मुझको पता नहीं कितना है मैक्सिमम एवरेज लाइक्स, अब रख लें एग्जांपल 400 लाइक्स आपको हर एवरेज पोस्ट में लाना है। तो अगर आपके एवरेज लाइक्स 400 हैं पर पोस्ट, तो आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेल भेज सकते हैं, तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली जो वेरीफाई हो सकता है ऑटोमेटिकली। दोस्तों, एवरेज देखने के लिए आपका अकाउंट क्या एलिजिबल है वेरीफिकेशन के लिए, इसके लिए एक ऐप है, नाम है TP इंस्टा टूल, जो कि इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहां से जाके उस एप्लीकेशन को APK को फाइल डाउनलोड कर लें और उस एप्लीकेशन में अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर अपना स्टेटस देख सकते हैं और अपने इंस्टाग्राम के एनालिटिक्स अच्छे तरीके से व्यू कर सकते हैं और उसमें एलिजिबिलिटी भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, उस ऐप को ज़रूर देखें। सो दोस्तों, दूसरा स्टेप होता है, अगर आप किसी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से जुड़े हुए हो तो उसमें आपका इंस्टाग्राम अकाउंट वेरीफाई हो सकता है। इसका प्रोसेस सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अगर आप एक डिजिटल कंपनी के मालिक हो देन आपको आपका अकाउंट वेरीफाई कराना है, क्योंकि आपका डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग मतलब सोशल मीडिया के हेल्प से ही आपका बिजनेस चल रहा है। देन तो आप अगर सोशल मीडिया के हेल्प से आपके कस्टमर्स को जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, क्या वो थ्रू है, इसको जानने के लिए आपको एक वेरिफिकेशन मिलता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, वेरिफिकेशन बस शो ऑफ के लिए नहीं है, वो एक ट्रस्ट है, जो कि अगर आपका अकाउंट में वो वेरिफिकेशन है देन पब्लिक मान सकती है कि हाँ यार, इसका अकाउंट ट्रस्टेड है, ये जो भी कहेगा सच कहेगा इसके अकाउंट के बारे में, मतलब इसके ब्रांड के बारे में। इसके लिए भी वेरिफिकेशन प्रोसेस हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के लिए आप जाके डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जो ऑलरेडी वेरीफाइड है, या अगर इंस्टाग्राम वाले जो भी आपको पता है उनसे जबकि आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम को मेल भेज सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे भेजते हैं। तो ऐसे करके आप इंस्टाग्राम को वेरीफाई करा सकते हैं। दोस्तों, थर्ड स्टेप में जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ यार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें ज़रूर से, क्योंकि हर रोज़ मैं ऐसे ही रेगुलर वीडियोस डालूंगा, ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस डालूंगा आपके लिए। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके रखें, और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं। और एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट IAM THE UNIQUE BOY को फॉलो कर लें, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत मज़ा करेंगे यार, आ जाओ, बात करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, मज़ा करेंगे, ऐश करेंगे और क्या। सो गाइस, नाउ मूविंग ऑन टू द स्टेप 3। स्टेप 3 है, आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को वेरीफाई कराने के लिए इंस्टाग्राम को एक रिक्वेस्ट भेजना था। ये पहले नहीं था, बस इस मंथ में आया है ऐसा फीचर। मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। यार,
ट्विटर में ऐसा ऑप्शन था बट इंस्टाग्राम में अभी आया है, न्यू लॉन्च है। बट यहाँ से आपको सेटिंग्स में जाना है, अकाउंट के सेटिंग्स में जाना है। यहाँ से सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाने के बाद बिजनेस यहाँ जो ऑप्शन मिलता है बिजनेस सेटिंग्स, इसके नीचे आपको अभी नहीं है iOS प्लेटफॉर्म में, वो भी बहुत कम कंट्रीज़ में मिला है ऐसा ऑप्शन UK USA में। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रिक्वेस्ट फॉर अकाउंट वेरिफिकेशन। सो वहाँ पे आपको क्लिक करके आपको अपना अकाउंट का क्रिटेरिया बताना है और अपने अकाउंट को वेरीफाई कराना है। दोस्तों ये अगर अब ये फीचर हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में भी हमारे कंट्री में आ जाए तो दोस्तों ज़रूर मैं इसके बारे में एक वीडियो ज़रूर करूँगा। सो दोस्तों इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों ये रहे तीन मेन ट्रिक्स। एक और बात दोस्तों, आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप अपने इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन के लिए हार्ड वर्क करें, अपने पोस्ट्स को अच्छी तरीके से कंटेंट गुड कंटेंट बनाएं, और दोस्तों आप अपने फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके पोस्ट को बहुत से ज़्यादा शेयर करें, इंस्टाग्राम में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा रीच करें पीपल्स को। बहुत हार्ड वर्क करें, बेस्ट ऑफ लक गाइस। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करें कि हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। हम ऐसे ही यूज़फुल शॉर्ट ट्रिक्स बताते रहेंगे कैसे इंस्टाग्राम में ग्रो करना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स को रीच करना है। सो गाइस आज का बस यही वीडियो था। एक रिक्वेस्ट है फिर से हमारे फॉलो इंस्टाग्राम अकाउंट आयंदा यूनिक भाई को फॉलो करना मत भूलें प्लीज़ यार। हम कंटेंट क्लीन बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। सो गाइस अगली वीडियो में आप सभी यारों से मिलने की उम्मीद रखते हुए गुड बाय। और गाइस तब तक आप ऐश करें, मज़े लें अपनी लाइफ के, खुल के जिए और जो भी करना है करो यार। अपनी माँ की रेस्पेक्ट करें और वुमेंस की प्रोटेक्ट करें। तो गाइस बाय। That you like it like that. Like it like that. I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket. Excuse me, that's a thousand. I know that you like it like that. Like it like that. I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket.